बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ब्रिज विल बी ओपन बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, तो ये आप देख सकते हैं कि आज ये ब्रिज ओपन हो चुका है और मैं आज आपको इस ब्रिज की ऊपर से सैर कराऊंगा और ये बताऊंगा कि जब हम ऊपर से आगे जाएंगे तो कहाँ पे आपको यू टर्न मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो ट्रैफिक है वो रवां दवा हो चुकी है, ऊपर ट्रक भी गुजर रहे हैं, छोटी गाड़ियां भी गुजर रही हैं, लेकिन इशू ये है कि जो नीचे से जो ट्रैफिक थी वो अभी तक उन्होंने नहीं ओपन की। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 30 तारीख तक जो नीचे से जो इन्होंने पेमेंट करनी थी, लास्ट कोटिंग करनी थी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, तो फुली फंक्शनल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हो जाएगी। इसमें यह है कि अभी आप देख सकते हैं कि जो लाइट्स हैं लाइट्स रह गई हैं, और उसके अलावा जो प्लांटेशन है आखिर में जो प्लांटेशन होनी है वो भी, और उसके अलावा एक और जो पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, ब्यूटिफिकेशन जो प्लान होता है ब्रिजेस के नीचे और आसपास, और लाइट्स नीचे से भी जो लाइट्स लगानी पड़ती हैं, ठीक है, जो रात के वक्त इल्यूमिनेट होती हैं, तो दैट ऑल वर्क्स, कॉस्मेटिक्स वर्क्स दैट विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और मैक्सिमम बाय फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल अभी आप ये देख सकते हैं कि हम पिंडोरा के सामने से भी गुजरे हैं और इस पिंडोरा के सामने कोई यू टर्न नहीं है। एक इतना बड़ा जंक्शन, ठीक है, पिंडोरा से ट्रैफिक आ रही होती है और इस मेन रोड पे आ रही होती है और वहाँ पे कोई यू टर्न नहीं है, और मैं आगे जब आपको लेकर जाऊंगा तो आगे भी कोई यू टर्न नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट में मेन फ्लॉ ये है कि इसमें जो ब्रिज था उसी के नीचे यू टर्न था, उसके अलावा कोई यू टर्न है ही नहीं। तो इधर उनको ऊपर से या नीचे से कोई यू टर्न देना चाहिए ताकि जो ट्रैफिक पिंडोरा से आई है या उसके बाद एक और सेटेलाइट टाउन से आ रही है तो उसके लिए उनको यू टर्न मिले और वो इस्लामाबाद जो डबल रोड है, जो 9th एवेन्यू है, जो वहाँ पे जो जा रहे हैं तो उनको एक कंप्लीट एक्सेस मिलना चाहिए। तो देर आर ये दिखें, आप सब देख सकते हैं कि राइट ट्रैफिक सेटेलाइट टाउन से आ रही है और उनके लिए कोई यू टर्न नहीं है। तो मेन फ्लॉ ही यही है, इस मेन रोड पे यू टर्न्स नहीं है। तो NLC और बाकी जो मेन इदारे हैं CDA, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें यू टर्न ऊपर से दिए जाएं या अंडरग्राउंड अगर हो सकते हैं तो अंडरपास के थ्रू यू टर्न देखें। अब ये देखें, इन्होंने बीच में से ब्लॉक उतारा हुआ था और उस एक ब्लॉक से जो मेहरान है वो तो गुजर जाती है और बाकी पूरी रोड ब्लॉक्ड है। तो अ वेरी अनप्लान्ड ये एरिया है, इस एरिया में ख़ास तौर पे जो पिंडोरा के आसपास है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उसको बिल्कुल कैटर नहीं किया गया। मोस्ट प्रॉब्ली अब क्या करते हैं आई डोंट नो। दूसरा ये कि जो लोग पैदल आ रहे होते हैं सुबह सुबह विल्सन जाने के लिए, तो वो भी इस पिंडोरा से आते हैं और इसी रोड के ऊपर से पैदल
क्रॉस करती हैं। तो जो व्यसन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स की, और सारे के सारे लोग, सब लोग उसी स्टॉप से गुजरते हैं, पिंडोरा वाली रोड से ही एंटर होते हैं। और विल्सन और सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पे 9th Avenue पे, वो यहीं से जाते हैं। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये भी होगी कि जो पैसेंजर्स जो लोकल लोग हैं उनके लिए ब्रिज बनाए जाएँ, ताकि वो ऊपर से सबके सब लोग ऊपर से गुजरें, और ऐसा ना हो कि लोग, अभी आप ये देख सकते हैं कि भागते भागते इतनी 5 lane ट्रैफिक को क्रॉस करें, किस ऐसा ना हो कि किसी का एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाए। तो इस जगह को स्पेसिफिकली जो पिंडोरा के आसपास और जो फैक्ट्री जाने वाले लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ध्यान किया जाए, और उनको बेचेज वगैरह बना के दिए जाएँ, और ये सारा के सारा काम बाय स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ 2 weeks में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कंप्लीट हो जाए हुकूमत से। और जो लोग मेरी ये वीडियो देखे हैं और जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं CDA में, वो सब इस अपनी मेरी जो राय है उस पे अगर इत्तेफाक करते हैं तो अपने कमेंट लिखें, और लोगों से और जो आला काम है आला हुकाम है उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोगों को आसानी मैसर हो। तो आई होप लोग आपको मेरी वीडियो आज की बहुत पसंद आएगी, और आप यू विल श्योरली लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ गिव योर कॉमेंट्स, थम्स अप करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब न मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नगेबान।